सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में IDFC फर्स्ट बैंक के अकाउंट का 2 महीने का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल रोहित राज 2-in-1। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बैंक पर 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक 25K वाला, एक 10K वाला। बात करें इस बैंक अकाउंट के चार्जेस के बारे में, तो चार्जेस तो इसके बिल्कुल 0 है, नो चार्जेस, डेबिट कार्ड फ्री, लोगों को आप जितना चाहे उतना ऑर्डर कर सकते हैं। IDFC वालों ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन किया था कि आप चेक जितना चाहे उतना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। फिर क्या, मैंने ट्राई किया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही मेरे पास 5 चेकबुक आ गई जिसका 1 रुपया भी अभी चार्ज नहीं लगा है। लेकिन डेबिट कार्ड का आपका चार्ज नहीं लगता। यदि आप उसको रिप्लेसमेंट कराते हो तो 100 रुपये आपके अकाउंट से काट दिए जाएंगे, 18 रुपये टैक्स लगेगा इसका। IDFC तो FD पर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है 7.75% का FD पर इंटरेस्ट पे करती है। और आप अपने अकाउंट पर कुछ अमाउंट रखते हो तो रखना ही पड़ता है, जैसे कि 10,000 वाला है तो उस पर 10,000 मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो जैसे कि 10,000 रखोगे आप, उस पर आपको 4% का इंटरेस्ट पे करेगी। और भाई FD पर तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि 7.75% का इंटरेस्ट। गाइस, इस बैंक का कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, कस्टमर को कॉल करो तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कुछ भी हो जाए। इसकी मोबाइल बैंकिंग पर भी बहुत से फीचर भर के दिए गए हैं। सो गाइस, मैं तो इस अकाउंट के साथ बहुत ही सेटिस्फाइड। आप बताना आपका फेवरेट बैंक कौन सा है, कौन सी फेवरेट बैंक पर आपका अकाउंट। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो। बाय, टेक केयर।